জুট মিলের ভেতরে শ্রমিকদের আচমকা মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য মিল চত্বরে। কাকিনাড়া জুট মিলের তাঁত শ্রমিক মোহাম্মদ আসলাম মিলে কাজ করতে করতে আচমকা মৃত্যু হয় তার। জানা গিয়েছে কাকিনাড়া মিলের শ্রমিক আসলাম কাজে যান তার নিজের শিফটে। সম্ভবত সেখানে তার শারীরিক অসুস্থতার জেরে তিনি কাজ করতে করতেই মাথা ঘুরে পড়েন। মিলের অন্য শ্রমিকরা তাকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনার পরই আসলামের বাড়ি কাকিনাড়া নয়াবাজারের আট নম্বর ওয়ার্ডের তিন নম্বর গলি এলাকায় শোকের ছায়া। মৃতের ছেলে বলেন, অন্যদিনের মতোই বাবা কাজে গিয়েছিল, তারপর হঠাৎ কোথা থেকে কি হয়ে গেল বুঝে উঠতে পারছি না। ঘটনার পরে বাগ্রুদ্ধ হয়ে পড়েছেন মৃতের স্ত্রীও। যদিও মিল কর্তৃপক্ষের তরফে সমস্ত রকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে পরিবারকে। এক নজরে দেখে নিন বিস্তারিত প্রতিবেদনটি। हम लोग सोचे ड्यूटी में है, अचानक से पौने बारह बजे हम लोग के पास खबर आया कि ऐसा ऐसा बात है। पौने बारह बजे क्या खबर हुआ वो सब हम नहीं जानते हैं, बस खाली खबर आया कि ऐसा ऐसा बात है। बीमारी वगैरह भी था? नहीं नहीं, पता नहीं है। बस हम लोग घर में आए, पापा मेरा घर मालूम चला कि पापा घर में खाना वाना खा के ड्यूटी गए हैं। जैसे रेगुलर डेली ड्यूटी जाते हैं वैसे ड्यूटी गए हैं। और ड्यूटी मिल से ही एक आदमी का फ़ोन आया है कि आपका पापा का ऐसा बात है। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं जानते। तबीयत भी खराब हो रहा है? नहीं नहीं, कुछ ऐसा कोई तबीयत खराब नहीं, सब पूरा स्वस्थ है। घर से खाना भी खाए हैं और प्लस टिफिन भी पैक करके लेके गए हैं कि दोपहर में सुबह जब सुबह मॉर्निंग में दो बजे का एक बजे का जो टिफिन टाइम होता है तो कुछ टिफिन आदमी करेगा वो सब भी लेके गए हैं। तार डिपार्टमेंट ड्यूटी के लिए निकलते हैं करीबन यहाँ से 9:30 बजे निकलते हैं, 10 बजे उनका ड्यूटी जॉइनिंग होता है। मिल वाला आदमी बोल रहा है कि जो कंपनी का डिसीजन रहेगा, जो कंपनी का रूल है, उस रूल के हिसाब से सिस्टम के हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टाका पैसा भी जो सिस्टम में है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। और बोला है कि एक पर्सन का जो जॉब है वो भी प्रोवाइड करेगा। जो नहीं नहीं, बगल के लोग जो उनके बगल में लोग जो काम करते हैं उनसे मालूम चला है कि ये लोग एक बीमा होता है जो उठाने वाला वो उठा करके लगाने के लिए गए हैं, उसी में हड़ाक पूरा गिर के जब उसको लेके गया गया डिस्पेंसरी में तो वो लोग बोला स्पॉट डेड, मतलब लेके जब हम लोग क्लिनिक गए तो कल्याणी वाला जो डॉक्टर है वो मृत्यु घोषित कर दिया। हाँ नहीं, ये तो हम नहीं बोल सकते ना, वो तो डॉक्टर बोलेगा। নতুন রূপে সেজে উঠেছে নাইস পার্ক। ছোট থেকে বড়দের জন্য আনন্দ ও সময় কাটানো ছাড়াও রয়েছে পিকনিক থেকে শুরু করে যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ। নাইস পার্ক দেবক নৈহাটি